दोस्तों नमस्कार आदाब। फिल्मी सेपियन के इस कमाल के प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको हर बार एक नई शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिनको हमने कई सारी फिल्मों में देखा है लेकिन शायद उनका नाम कहीं नहीं सुना। इन किरदारों को जब भी हम छोटे या बड़े पर्दे पर देखते हैं तो हमेशा कहते हैं, अरे अच्छा इनका नाम ये है। आज की इस कड़ी में हम फिर से ऐसे ही एक अजीम शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक्टर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट रह चुके हैं। जी हां, उनका नाम है गजानन जागीरदार। गजानन जी उन्हीं कुछ किरदारों में से एक हैं जिन्हें शायद हमने ऑलमोस्ट हर फिल्म में नोटिस किया, कभी पिता के किरदार में, कभी जमींदार के किरदार में, कभी डॉक्टर या कभी वकील। गजानन जी ने अपने करियर की शुरुआत प्रभात स्टूडियो में बतौर राइटर की। वहां से वो बालजी पेंढारकर जी को असिस्ट करने लगे और सिर्फ 2 साल बाद ही उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी पहली फिल्म सिंहासन 1934 में डायरेक्ट की। गजानन जी की राम शास्त्री फिल्म ने उन्हें जबरदस्त सफलता और प्रशंसा दिलवाई जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई और लोग उन्हें धीरे धीरे एक सशक्त और सफल निर्देशक के तौर पर जानने लगे। करीब 8 से 9 फिल्मों का निर्देशन करने के बाद उन्होंने अपना हाथ एक्टिंग में आजमाया और बतौर एक्टर उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपार प्रशंसा प्राप्त की। 1962 में उनकी मराठी फिल्म वैजंता को सेकंड बेस्ट मराठी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। गजानन जी ने अपना फिल्मी करियर 1931 से शुरू किया और 1989 तक वो कई सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में नजर आए। गजानन जी का जन्म 2 अप्रैल 1907 को महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले गजानन जी अध्यापक थे। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी थिएटर्स में थी। जब वो कॉलेज में गए तो जागीरदार साहब शहर बा शहर एज अ थिएटर एक्टर ट्रैवल करने लगे। कई सारी भाषाओं जैसे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में प्रवीण होने की वजह से और अपना मास्टर्स डिग्री खत्म करने के पश्चात उन्हें स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। पर थिएटर से उनका मन नहीं हटा और उन्होंने उस जमाने के कई प्रतिष्ठित नाटकों जैसे हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड और चेकोव का द चेरी ऑर्कर्ड में काम किया। थिएटर में इंटरेस्ट होने की वजह से गजानन जी स्कूल टीचिंग को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने टीचिंग की नौकरी छोड़ दी। फिर वी शांताराम जी से प्रभात स्टूडियो में मिले जहां उन्होंने उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया। वहां पर वो फिल्मों के अंग्रेजी इंटरटाइटल्स का काम देखते थे। आपको बता दें, साइलेंट फिल्मों में डायलॉग ना होने की वजह से इंटरटाइटल्स स्क्रीन पर आते थे जो कि सीन का पार्ट नहीं होते थे। जागीरदार साहब ने स्पीच कोच के तौर पर भी कई एक्टर्स की मदद की जहां वो उनके तलफ्फुस यानी प्रोनंसिएशन पर काम करते थे। एक बार वी शांताराम जी 1932 में जलती निशानी नाम की फिल्म हिंदी और मराठी भाषाओं में बना रहे थे जहां हिंदी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर पहलवान को अपने डायलॉग्स बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, जिस पर शांताराम जी ने जागीरदार साहब को मेकअप करके ये रोल करने को कहा। संयोग से 25 साल के जागीरदार साहब को उनका पहला फिल्म रोल करने का मौका मिला जिसमें वो एक वृद्ध आदमी की भूमिका में नजर आए। उस भूमिका ने शांताराम जी को काफी प्रभावित किया और फिर 1941 में शांताराम जी ने फिर से उन्हें फिल्म पड़ोसी में मौका दिया जहां जागीरदार साहब प्रभात में इंग्लिश इंटरटाइटल्स और एक्टर्स को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की ट्रेनिंग देते थे। वहीं जागीरदार साहब ने मिनर्वा मूवी टोन के लिए मीठा जहर और तलाक फिल्म की स्क्रिप्ट्स भी लिखी। 1934 में जागीरदार साहब को पहली बार फिल्म संत तुलसीदास फिल्म के लिए गाने लिखने का मौका भी मिला जिसमें उन्होंने 13 गानों के लिए गीत के बोल लिखे। इसके बाद वो पूरी तरह से डायरेक्शन में चले गए। अपने पूरे करियर में जागीरदार साहब ने हिंदी और मराठी की कई फिल्मों में काम किया।
प्रभात के लिए उनकी आखिरी फिल्म रही लोकमान्य तिलक, जिसके बाद प्रभात स्टूडियोज हमेशा के लिए बंद हो गया। असित सेन जी की फिल्म अपराधी कौन में उन्होंने डबल रोल निभाया, जहां उनके द्वारा निभाए गए भाइयों के किरदार श्रीनाथ और दीनानाथ के किरदारों में उनके अभिनय प्रतिभा की कमाल की झलक दिखती है। सुनील दत्त साहब और मीना कुमारी जी की फिल्म मैं चुप रहूंगी में भी उनके सुनील दत्त के पिता के रोल की गहराई देखते ही बनती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गजानन जी 1930 के दशक में प्रभात कंपनी के लिए काम करते थे। उस प्रभात फिल्म कंपनी को 1960 में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बदल दिया गया। बाद में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पड़ गया, जिसके पहले प्रिंसिपल गजानन जागीदार जी थे। हालांकि 2 साल बाद ही उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद वो पूरी तरह से फिल्मों में एक्टिंग करते रहे, जहां उन्होंने कई सारी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के तौर पर हम दोनों, गाइड, देश परदेश, उमराव जान जैसी फिल्में की। करियर के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने सूत्रधार और प्यासे नयन फिल्मों में भी काम किया। प्यासे नयन उनकी आखिरी फिल्म रही। जागीदार साहब ने अपनी 2 ऑटोबायोग्राफीज पब्लिश करी, एक 1971 में और दूसरी 1986 में। इन्होंने एक्टिंग के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसमें इन्होंने स्टैनिस्लावस्की की एक्टिंग मेथड्स के बारे में काफी बातें बताई हैं। 13 अगस्त 1988 को इनका निधन हो गया। जागीदार साहब के बेटे का नाम अशोक जागीदार है। कुछ साल पहले अशोक जी ने 130 से अधिक गजानन जी के 1953 की फिल्म महात्मा के फोटोग्राफ्स और कुछ पर्सनल चीजें जो कि उनके कलेक्शन की थीं, वो NFAI यानी नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स इंडिया को दान में दी। इस कलेक्शन में गजानन जी का एक चित्र, जिसको शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, जो कि उस समय के एक जाने माने कार्टूनिस्ट थे। तो दोस्तों, अगर आपको गजानन जागीदार साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें ये भी बताइए कि और किस अजीम भूली शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह आगे भी हम एक और मकबूल शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, जिनको हम शायद कहीं यादों में दफन कर चुके हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।